Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mock Zone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are trying to prepare for CMAT, CET 2021 exam, because I am going to discuss about the application form dates of JBIMS, M3 and other exams. तो गाइस ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन है काफी बच्चों को कि इनकी फॉर्म्स की डेट क्या होती है, कब आते हैं फॉर्म्स, उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे प्रोसेस होता कैसा है। इन कॉलेजेस का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, मेनली जो महाराष्ट्र कॉलेजेस होते हैं। काफी लोग के पिंग आए मेरे पास कि JBIMS की डेट क्या है, कुछ वेबसाइट्स वगैरह पुरानी इन्फॉर्मेशन दी रहती है 3-4 साल की, तुमको रहता है कि डेट निकल गई है, तो मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ गाइस। एक्चुअली बताएं तो इनके फॉर्म्स कभी आते ही नहीं अलग से, इनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है। तो ये वीडियो देखना, अब ये वीडियो में काफी कुछ क्लियर करने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखने बाद आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, काफी कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग नए हो तो आप लोग को और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जरूर से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हैं जो ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, इनकी हेल्प हो जाएगी लाइक करने से। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो और बीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो, ठीक है। सीडी की भी हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सीमैट टेस्ट वगैरह की चली रही है। चलो गाइस, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो गाइस ये है कि MMS प्रोग्राम को आपको पता होना चाहिए क्या होता है। MMS एंड PGDM दो चीजें होती हैं, वैसे तो MBA PGDM तो होता ही, बट MMS भी होता है। तो जो महाराष्ट्र कॉलेजेस होते हैं ना, वो MMS डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो करते हैं, PGDM भी है, बट MMS सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब यूनिवर्सिटी मुंबई के थ्रू होता है। तो ये जो कॉलेजेस होते हैं ना, JBIMS एंड सिम्स3, ये सिर्फ MMS प्रोवाइड करते हैं। इनकी आप वेबसाइट में जाओगे, इनकी में कहीं आपको PGDM नहीं दिखेगा। बाकी जो कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के, वो MMS भी करेंगे और PGDM भी करेंगे, ठीक है। तो जो MMS का होता है बेसिकली, जैसे JBIMS एंड सिम्स3 है, इनके यहाँ PGDM नहीं है, इनका MMS है। तो MMS का जो पूरा होता है, सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है, वो कौन करता है, वो DTE करता है। DTE होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, DTE करता है। तो क्लियर बताऊं तो इसकी कोई डेट नहीं होती है, मतलब इसका अलग से फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी मुंबई से एफिलेटेड होता है, सारा प्रोसेस उनके हाथ में होता है, कॉलेज का खुद का नहीं होता। कॉलेज जो खुद का होता है वो होता है PGDM, और क्योंकि JBIMS एंड सिम्स3 में PGDM नहीं है, जो MMS प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो आपका अलग से फॉर्म भरा जाता है CET के बाद। जब CET एग्जाम हो जाता है तो DTE अपना फॉर्म निकालती है, तो जिसने मान लो CET दिया हुआ है उसको भरने की जरूरत नहीं है उनका फॉर्म, जिसने एडमा सीमैट ये सब दिया हुआ है वो भरता है। अगर आपने सीमैट भी दिया है और CET भी दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने सीमैट भर रहा है और आपको अगर चाहिए महाराष्ट्र कॉलेज में MMS प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा वो CET होने के बाद, जब उनका कैप राउंड स्टार्ट होता है। कैप मतलब होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड होते हैं। कैप राउंड क्या होते हैं, ये काउंसलिंग, जैसे आपकी देखा होगा आपने IIT AIEEE वगैरह में, AIEEE में होती नहीं थी काउंसलिंग वगैरह होती है, तो वैसा होता है, ठीक है, आपको राउंड 1 राउंड 2 करके होती है। इसमें आपके मेरिट बेस पे, टोटली मेरिट बेस पे आपको एडमिशन मिलता है, कोई GDPI नहीं होता है, MMS से कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है, कोई GDPI नहीं होता है आपको, बस 99.99 जैसे मान लो कट ऑफ है JBIMS का, तो आपको उसके थ्रू कैप राउंड थ्रू मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, आपको अगर आपका आ गया तो इतना परसेंटाइल। और दूसरी चीज है कि JBIMS एंड सिम्स3 कौन कौन से स्कोर्स लेते हैं, कैट, CET, एडमा, मैट, CMAT, ठीक है, जैट। बीच में उन्होंने कुछ हटा दिए थे एग्जाम्स वगैरह, फिर अब लेने लगे हैं लोग, ठीक है। तो ये होता है, और इसका बात ये मैंने ये कि यहाँ पे एग्जाम की डिफिकल्टी भी डिपेंड नहीं करता, चाहे आपको 99.99 लाना पड़ेगा, ठीक है, उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो ऑल इंडिया वाले हैं। महाराष्ट्र वालों के लिए 85% रिजर्वेशन होता है MMS में, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उन लोग के लिए, जिनका डोमिसाइल उनके लिए 85% रिजर्वेशन होता है, बाहर वालों के लिए 15% होता है, तभी आपको कट ऑफ ज्यादा होता है JBIMS का। JBIMS से कट ऑफ 99.99 होता है, ठीक है, और सिम्स3 का 99.96 के अराउंड होता है अगर आप ऑल इंडिया वाले हो, ठीक है। तो आप CMAT वगैरह, और एक चीज अच्छी और है इसमें, एक चीज अच्छी और है, जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं ना, उनको JBIMS से घुसना है अगर, तो खाली CET से ही घुस सकते हैं, उनको CMAT नहीं घुस सकते, CMAT से वो, ठीक है, CMAT से नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया वाले ये दे सकते हैं सारे एग्जाम्स, ठीक है, बट जिन उन लोगों को CET से ही अलाउड है। अगर आपको JBIMS, ये आज तक की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अभी चेंज हो जाए मैं नहीं कह सकता कल क्या हो जाए, होने को कुछ भी चेंज हो जाता है, बट अभी आज कौन सी डेट है, आज हम लोगों का 17 जनवरी, 17 जनवरी को जो स्टेटस है जो चलता आ रहा है यही है, ठीक है। तो सिंपल सी जो कंफ्यूजन है, जितने भी MMS प्रोग्राम, जैसे अगर आप लिस्ट देखोगे महाराष्ट्र कॉलेजेस की, MMS प्रोग्राम में अच्छी बात क्या है कि फीस कम लगती है, फीस काफी कम होती है, जैसे कैजुअल समय अगर PGDM प्रोग्राम की फीस अगर है मान लो 14 लाख 13 15 लाख, तो MMS की अराउंड होगी 5-6 लाख 6-7 लाख फीस होगी मेरे ख्याल से, थोड़ी बढ़ गई अलग बात है, 5-6 लाख तक होती है फीस, फीस कम होती है। सबके कट ऑफ भी अलग होते हैं, कट ऑफ क्यों ज्यादा होते हैं इनके, जैसे केजे समय का कट ऑफ वैसे तो तुम्हारा PGDM तुम्हें चाहिए CMAT से तो 98 के अराउंड जाएगा, बट अगर तुमको MMS के थ्रू चाहिए तो बहुत ज्यादा जाता है वो,
अगर वो कैप राउंड की चाहिए 99.91 ऐसा कुछ जाता है वो, क्यों जाता है? क्योंकि सीटें कम है, 15% सीटें हैं खाली, तभी तो ठीक है। तो इस ये ऐसा रीजन नहीं है कि बहुत अच्छा कॉलेज से कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। कट ऑफ ज्यादा इसलिए जाता है क्योंकि 120 सीटें हैं, मान लो अगर 120 से 15 सीटें, अगर 15% सीटें अगर हुई, 18 सीटें अगर है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा ही जाएगा, वरना कैसे मिलेगा? ठीक है, तो ये रीजन होता है कि ये। तो अब आप लोग जो लोग पूछते हैं कि यार जेबीएमएस फॉर्म कब आएगा, जेबीएमएस और एमएमएस, जेबीएमएस और सिमसरी, इनमें तो पीजीडीएम होता ही नहीं है, ठीक है, इनमें पीजीडीएम होता ही नहीं। तो इनका एडमिशन अगर होगा तो सिर्फ एमएस के थ्रू ही होगा, और आपको अगर चाहिए इनमें घुसना है तो आपको 99.9 लाना है और 99.96 लाना है किसी भी एग्जाम में, तभी घुस पाओगे आप, ठीक है, जो ऑल इंडिया वाले। जो लोग महाराष्ट्र के उनको थोड़ा कम होता है कट ऑफ उनका, ठीक है। तो अब ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि अभी कोई फॉर्म नहीं आना है जेबीएमएस सिमसरी का, इसका फॉर्म आएगा बाद में, काउंसलिंग का सब अपडेट आता रहेगा, हम भी देते रहेंगे अपडेट, ठीक है। पहले सीटी एग्जाम होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। अब देखो ना कितना लेट चल रहा है, पिछले साल जो महाराष्ट्र सीटी हुआ था उसके काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुई है, कैप राउंड अभी चल रहा है उसका। तो इस बार तो अभी एग्जाम पहले होने, तो महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम भी रहता लेट होगा, अभी तक कोई नोटिफिकेशन का आया नहीं है। हो सकता है एग्जाम अप्रैल में हो, अभी कुछ कह नहीं सकते, मार्च में होने के चांस बहुत कम है, ठीक है। तो जब एग्जाम होगा उसके बाद स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो ये चीज है। तो जितने भी एमएमएस प्रोग्राम के थ्रू है सब आपको डीडी के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको पीजीडीएम चाहिए किसी भी कॉलेज में से केस हुए में, तो आप नॉर्मली अपने पीजीडीएम में प्रॉपर जो प्रोसेस होता है, कॉल आएगी, जीडीपीआई होगा, सीमेट से ऐसा कट ऑफ है, वेलिंकर है, जैसे वेलिंकर देख लें हम लोग, वेलिंकर में क्या होता है, वेलिंकर में दोनों प्रोग्राम होंगे, एमएमएस भी होगा, वेलिंकर मुंबई में है, ठीक है। तो उसमें आपका एमएमएस भी होगा, एमएमएस का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, मान लो जाएगा कहीं 99.85 ऐसा कुछ जाएगा, चाहे सीमेट से लाओ चाहे सीईटी से लाओ, ठीक है, ऑल इंडिया के लिए, ठीक है। बट अगर आपको पीजीडीएम चाहिए तो पीजीडीएम के लिए कट ऑफ कम जाएगा, सीमेट से करीब 85-90 के राउंड जाता है, क्योंकि जीडीबीआई करना होता है उसमें आपको, ठीक है। तो ये चीज है। तो एमएमएस प्रोग्राम में कट ऑफ ज्यादा होता है क्योंकि फीस कम होती है, और 15% वाला चक्कर आ जाता है, इसलिए सीट्स कम है, इसलिए करना पड़ता है उनको। 18 सीटों के लिए पूरी दुनिया बैठी तो कैसे हो पाएगा ना, तभी सीट्स, तभी परसेंटेज ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हो गई होगी। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एमएमएस एंड पीजीडीएम में। एमएमएस के लिए तभी ज्यादा कट ऑफ होता है क्योंकि रिजर्वेशन है, पीजीडीएम में प्रॉपर आपका प्रोसेस होता है, जीडी होगा, पीआई होगा, सब होता है, इसलिए कट ऑफ कम होता है उसका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा, जिन लोगों को डाउट है कि कैसे क्या करेंगे। बाकी एग्जाम्स में फ्लक्चुएशन हो जाता है, ये एग्जाम्स अभी जो है हो सकता है फिर ये लोग कम कर दें, क्योंकि एडमा मैट में काफी चीटिंग वीटिंग हो जाती है कुछ, ठीक है। इस वजह से हो सकता है वो अभी डीटी ने शायद अभी नोटिफिकेशन आई थी, उसने बोला कि एडमा मैट लेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात क्या, अभी तक ये बोला है तो क्या पता इस बार लें, लास्ट ईयर नहीं था, तो मे वाला फेब में भी जो एटमा मैट होना है वो भी लेंगे, और मे वाला भी लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को जेबी में घुसना है वो मैट दे सकते हैं मे वाला, ठीक है। 99.99 जेबीएमएस जाओ सीधे, अब कुछ देखा नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रूल ऑफ डीडी क्या लिखा है, यहाँ पे ये हमने लिया हुआ है, एमएमएस एडमिशन प्रोसेस एडमिनिस्टर्ड बाई डीडी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, महाराष्ट्र। डीडी इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विच इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑन सीटी वेबसाइट। आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे जाया करो आप, info.maharashtrasity.org, mhmaharashtrasity। आप मुंबई के कॉलेजेस हैं जो, अगर आपको एमएमएस चाहिए, आपको एमएमएस प्रोग्राम, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ सबको अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। सब कुछ वही डिसाइड करता है, डीडी ऑल्सो पब्लिशेज द रूल्स एंड एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर फुल टाइम, सब कुछ करता है वेबसाइट, ठीक है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, सीटी लिखा है ना, सी कैप लिखा, सॉरी, ठीक है, विच आर कंडक्टेड बाई सीटी सेल, ठीक है, मेरिट बेसिस से पूरा होता है, ठीक है। तो ये चीज है गाइस। बाकी तो बस यही है कि एमएमएस का अच्छा बात ये है, एमएमएस की फीस कम होती है और जीडीपीआई नहीं होता, आप निकल जाते हो, और बस ये कट ऑफ ज्यादा है। तो अब मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपके लिए। तो जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे आपका जेबीएमएस हो गया, सिमसरी हो गया, केजो समैया हो गया, वेलिंकर हो गया, पुंबा हो गया, इनमें एमएमएस प्रोग्राम तो ही है। अगर आपको इनमें एमएमएस चाहिए, फीस कम देनी है, तो आपको लाना पड़ेगा परसेंटेज अच्छा, ठीक है। अगर आप सीटी से कर रहे हो, अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल तो आप सीटी फोकस करो, अगर आप बाहर के हो तो आप इन एग्जाम फोकस करो, कैट में तो करोगे नहीं फोकस, एड में भी नहीं करोगे, एड में 99.96 लेके कौन जाएगा सिमसरी, ठीक है। आप करोगे फोकस किस में करोगे, सीमैट दो, सीमैट सबसे बेस्ट एग्जाम है। सीमैट की अच्छी बात क्या है, 70,000 के राउंड बच्चे बैठते हैं और इजी पेपर है, इजी पेपर इन द सेंस मैंने वीडियो बनाया भी इस पे, 3 घंटे मिलते हैं प्लस 100 क्वेश्चन खाली आने हैं, बाकी जगह ऐसा नहीं है, 200 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और टाइम भी कम मिल रहा है काफी, ठीक है। तो ये चीज है, सीमेट में ऐसा बहुत ज्यादा चांस है, बस जीके पढ़नी पड़ेगी आपको। सीमेट एक अच्छा एग्जाम है, उससे आप ला सकते हो अच्छे, ठीक है। बाकी मैट भी है, मैट भी दे सकते हो चाहो तो। एटमा में दिक्कत क्या है, एटमा में बच्चे बहुत कम बैठते हैं, 2000 बच्चे अगर बैठेंगे तो 99.9 आना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये चीज है, देने वाले देते भी हैं, ठीक है। तो अब डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एमएमएस प्रोग्राम अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आपका कोई फॉर्म भरना नहीं है आपको एमएमएस प्रोग्राम के लिए,
आपको सब आपका मारा सीडी बाद फॉर्म्स निकलेगा, डीडी निकालती है डायरेक्ट, वही जो बॉडी बताई मैंने वो निकालेगी फॉर्म, और उसके बाद भर दो आपका काउंसिल में, आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने सीडी ऑलरेडी दे दिया है तो आपको वो भी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पीजीडीएम चाहिए तो आपको हर कॉलेज के फॉर्म भरने पड़ेंगे, जैसे आप केजस में का पीजीडीएम चाहिए, केजस में की डेट 7 फेब है, तो आप वो भर दो फॉर्म उसका, ठीक है। जिम मान लो आपको पुम्बा चाहिए, कोई भी आपको चाहिए एग्जाम, मान लो कॉलेज चाहिए, वेलंकर चाहिए, वेलंकर की डेट है पीजीडीएम की, तो उसको भर दो, प्रॉपर जीडी होगा, पीआई होगा, आपका स्कोर देखा जाएगा, वो सब होगा। तो अलग से आपको फॉर्म तब भरना है जब पीजीडीएम में जाना है आपको। अगर आपको एमएस के थ्रू जाना है हाई कट ऑफ लेके, तो आपको नो जीडीपीआई वाला प्रोसेस, तो आपको कुछ नहीं भरना कहीं पे भी। और जेबीएमएस सिमसी के से भरना ही नहीं कुछ, क्योंकि उसमें पीजीडीएम होता ही नहीं है, उसमें आपका होता है सिर्फ और सिर्फ एमएमएस। ये वेबसाइट में मैंने कंफर्म कर लिया, कुछ कंफ्यूजन था, हम वेबसाइट में गए जेबीएमएस के, कभी भी गए कंफ्यूजन हो ना कहीं, देखो ही मत, सीधे वेबसाइट में जाओ ऑफिशियल, वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। उनके कोर्सेज में डालोगे, चार कोर्सेज दिए हुए शायद उन्हें, एक है जेबीएमएस का एमएमएस प्रोग्राम, एक है एमएचआरडी जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, एक इनका एमएससी फाइनेंस वाला एग्जाम प्रोग्राम होता है, और एक कोई और होता है इनका, सेम फॉर सेम थ्री। ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, सीधे ऑफिशियल सोर्स देखा करो हमेशा। यूट्यूब में वीडियो देखो, बट आपको डाउट हो तो आप जाओ ऑफिशियल, ठीक है। कोई पैसा नहीं लग रहा आपको जाने की वेबसाइट में, सीधे जाओ सिम थ्री की वेबसाइट में, आपको सब पता जाएगा कौन से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या होता है ना, जैसे आपने कोई वीडियो में देखा, वीडियो 3 साल पहले का वीडियो है वो आपका, आप सोचोगे यार ऐसे होता है, 3 साल में सब बदल जाता है, इसलिए बोलता हूँ आपको, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज आवर वीडियो, बाकी दोज आर लुकिंग फॉर मॉक्स, तो गाइस हम लोग का मॉक देख सकते हो आप, ठीक है। काफी इकोनॉमिकल बैक से महाराष्ट्र सीडी एमबीए सीडी के मॉक निकाले हम लोगों ने, काफी इकोनॉमिकल 12 फुल लेंथ मॉक्स हैं, ठीक है, और 999 के हैं खाली, डिस्काउंट चल रहा है 500 का, काफी लोग दे रहे हैं, फ्री मॉक भी है, फ्री मॉक देख सकते हो आप। बीच में पैटर्न बदल दिया था उन्होंने, 2 घंटे का कर दिया, बाद में फिर 2.5 घंटे कर दिया, तो 2.5 घंटे का ही है जैसा है, ठीक है। देखो मॉक्स अगर आप दे रहे हो तो कम से कम 30 से 40 मॉक दो जो लोग महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि मॉक देने से होगा। और मैं ये रिकमेंड करूंगा मल्टीपल कोचिंग के मॉक दो तो फायदा रहेगा, क्योंकि एक ही कोचिंग से क्या पता मॉक सारे ईजी हो सारे टफ हो, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अभी तक काफी अच्छे रिव्यू रहे हम लोग के मॉक्स में, लोगों ने काफी लोगों ने मॉक लिए हैं, ठीक है, तो अच्छा रहता है। बाकी कोई सीमैट दे रहा है, सीमैट के मॉक्स भी दे सकते हो, सीमैट में आपका 799 का आपका लाइट पैक है, 10 फुल लेंथ मॉक्स है सीमैट के, बिल्कुल रेलिवेंट मॉक्स है, ठीक है। और एसेंशियल बैग में आपका 10 फुल लेंथ सीमेंट मॉक्स प्लस 153 टॉपिक टेस्ट, कॉन्स एलआर डीआईडीएस वीआरसीजी का सब कुछ इंक्लूडेड है, हर टॉपिक कवर है, 1199 का ही खाली, ठीक है। नीचे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट जा सकते हो mockzone.in, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, आप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट है आपको, और ये मेरी मेल आईडी है कंपनी की, ठीक है, mockzone.info.mockzone@gmail.com, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे जो ग्रुप्स हैं सीमैट का सीडी को जरूर ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।